आज इस समाज में इंसान बहुत ही आसानी से कहता है कि दुनिया बहुत ही एक गंदे माहौल से गुजर रही है, यहाँ सब कुछ गंदा है, यहाँ कुछ भी अच्छा नहीं है, किसी को किसी पे विश्वास नहीं है, परिस्थितियाँ ख़राब हैं और सुधरने के भी आसार किसी को कहीं से कुछ नज़र नहीं आते। इन सब चीज़ों के बीच से जब एक चीज़ को अगर हम ध्यान से देखें कि दुनिया भर की जो समस्याएं हम दुनिया में समाज में देखते हैं और उनको गिनाते हैं, दरअसल उसकी शुरुआत समाज में सीधे नहीं होती, उसकी शुरुआत हमारे इंसानी दिमाग में यहाँ से होती है। जो समस्याएं हमको बाहर दिख रही हैं, जो प्रदूषण हमको बाहर दिख रहा है, वो प्रदूषण पहले यहाँ से पैदा होता है। आप चाहे बात करिए कि आप कहेंगे भूमि प्रदूषण, जल प्रदूषण, वायु प्रदूषण और अन्य तरह के प्रदूषण जो है, लेकिन उन प्रदूषणों का जो मुख्य वजह है उसके लिए जिम्मेदार है इंसान। और इंसान अपने आप में यदि आप देखें, जिसका जीवन स्वयं में व्यवस्थित होगा, जिसके जीवन में स्वयं में स्वच्छता होगी, जिसके जीवन में स्वयं में संस्कार होंगे, कहीं ना कहीं उससे ही अपेक्षा की जा सकती है कि वह अपने आसपास के परिसर को साफ रखेगा और वह प्रकृति के साथ एक अच्छा सामंजस्य बना करके चलेगा। जिसके मन में किसी भी तरह का प्रदूषण नहीं है या मन में प्रदूषण होते हुए भी अच्छाई की ओर एक बेहतर प्रयास है, कहीं ना कहीं उसके माध्यम से इस सृष्टि और इस प्रकृति के प्रदूषणों की मात्रा कम हो सकती है। अब वहीं अगर थोड़ा सा और यदि हम आगे बढ़ के सोचें कि जितनी भी तरह की समस्याएं समाज में हमको दिखती हैं, क्यों कहा जाता है कि हर इंसान उसके लिए ज़िम्मेदार है? क्योंकि कहीं ना कहीं इंसान उससे खुद ना जुड़ा है तो इनडायरेक्टली उससे जुड़ा हुआ है। कहीं वो करता है तो कहीं वो अकर्ता है, कहीं वो दृष्टा है और कुछ नहीं तो कम से कम उस पर सोच रहा है, उस पर बोल रहा है और उस तरह के भावों को वो शब्दों के माध्यम से प्रवाहित कर रहा है कि वातावरण उस हिसाब का बन रहा है। समाज में जब जब कोई घटना घटी तो आंदोलन खड़े हो जाते हैं। उन आंदोलनों में जुड़ने वाले लाखों करोड़ों लोग अगर स्वयं अपने जीवन में यह बात उतार लें तो उन आंदोलनों की सार्थकता और बढ़ जाती है। अभी कुछ दिन पूर्व जब मैं देखता हूँ कि चीज़ों में, मान लीजिए कि समाज में कुछ ऐसी समस्याएं बढ़ रही हैं जिसको लेकर के युवाओं में बहुत ज़्यादा कहीं ना कहीं अंदर से आक्रोश है, जो युवा सड़कों पर इन आंदोलनों को करते हैं उनका हृदय से हम सम्मान करते हैं। उन आंदोलनों के साथ यदि वो थोड़ी सी चीज़ें और जोड़ लें, क्या वो खुद इस चीज़ को अश्योर करते हैं कि उनकी नज़रें किसी पर उस हिसाब से पड़ती हैं कि उसे कहा जाए कि एक आदर्श तरीका है? प्रश्न ये है, क्या हम जब सड़कों पे अपने उत्साह को व्यक्त करने उतरते हैं उससे पहले खुद को थोड़ा सा देखते हैं कि हम उस स्तर पर कहाँ पे? दूसरी ओर जब मैं इस ओर देखता हूँ कि अच्छी शक्तियाँ आपस में विघटित होकर आपस में एक दूसरे से लड़ रही हैं और जो बुरी शक्तियाँ हैं वो बैठे बैठे इसका लाभ उठा रही हैं। ज़्यादा पढ़ा लिखा होना, ज़्यादा समझदार होना भी अपने आप में घातक होता है, क्योंकि अच्छाई जो है वो आपस में एक दूसरे की टांग खींच रही है तो बुराई को कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, वो चुपचाप शांत बैठ करके उस माहौल का लुत्फ़ उठा रहे हैं। ऐसे समय में हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है, हर किसी की जिम्मेदारी है कि समाज की सारी समस्याओं को यदि वो सीरियसली दूर करना चाहते हैं तो उन समस्याओं का उनके खुद से क्या वास्ता है, उनके आसपास से क्या वास्ता है और कितना वो खुद उसमें इन्वॉल्व है, उस चीज़ को देखें। और उस चीज़ को अगर उस माध्यम से वो दूर करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से दूर करना तो दूर की बात है, अगर आदमी इस चीज़ का आभास ही कर ले। भ्रष्टाचार सिर्फ पैसा लेना नहीं होता, भ्रष्टाचार तो वह भी होता है जब हम बड़ों का सम्मान नहीं करते, भ्रष्टाचार तो वह भी होता है जब हम अपने अंधकार के मद में चूर होकर किसी दूसरे को समय समय पर डंक मारते हैं, भ्रष्टाचार वो भी होता है जब हम किसी की निंदा करते हैं, किसी से ईर्ष्या करते हैं, किसी की टांग खींचते हैं, किसी प्रतिभावान को आगे बढ़ने के पहले उसकी प्रतिभा को नष्ट करने या उसको कहीं ना कहीं डिगाने का हम प्रयत्न करते हैं। समाज में चल रही ये चीज़ें भी भ्रष्टाचार है, इसे भी हमें किसी न किसी तरीके से दूर करना होगा। और मैं नहीं कहता कि दुनिया में बहुत सारे लोग इससे मुक्त हैं, हर किसी को पहले इस चीज़ का एहसास तो हो। मुझे एहसास है इस चीज़ का, मैं करने का प्रयास कर रहा हूँ, इसलिए मैं आज इस स्थिति में हूँ कि आज मैं कुछ अपनों से बात कह सकूँ। दूसरी ओर उसको हम दूर किस तरीके से कर सकते हैं, इसके लिए एक आशावादी दृष्टिकोण होना चाहिए। नहीं भाई साहब, हम क्या कर लेंगे, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने स्थान पर यदि आप अपने मानसिक प्रदूषण को दूर करेंगे तो कम से कम अपने घर के, अपने परिकर के और जिस जिस ओर आपके कदम जाएंगे उस ओर आप अपने स्तर की चीज़ को बेहतर कर सकते हैं। इस धरती पर अपने स्तर की चीज़ों को अगर हर आदमी बेहतर करता जाए तो व्यक्ति से परिवार और परिवार से समाज सहज विकसित हो जाए। डाउट्स मन में रहते हैं कि हम करने से क्या होगा, अरे दुनिया में कर रहे हैं, एक्स आएंगे वो करेंगे, वाई जेड आके वो करेंगे, कोई भी कब तक करेगा, जब तक वो चीज़ें ग्राउंड लेवल तक नहीं आएंगी। क्रांतियाँ होनी चाहिए, लेकिन उन क्रांतियों की बेहतर शुरुआत हर इंसान के यहाँ जहन से होनी चाहिए, उसके दिल में वो चीज़ होनी चाहिए कि सचमुच क्या वो करना चाहता है, करना चाहता है तो उसके खुद के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है। उस बदलाव के लिए अगर हम पहला कदम उठाएं तो निश्चित रूप से परिवर्तन ज़्यादा दिन समय नहीं लेगा, होकर ही रहेगा।